नमस्ते, मैं हूँ ममता और ममता लकड़ा के व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। वैसा तो आप लोग राख बुधवार क्या होता है जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें शेयर करूँगी। यह सच है कि बाइबल में राख बुधवार का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पश्चाताप के संकेत के रूप में माथे पर राख डालने की परंपरा यीशु से पहले की है। पुराने नियम में अय्यूब ने धूल और राख में पश्चाताप किया था और एस्ते, शमूएल, यशायाह और यिर्मयाह में राख और पश्चाताप के अन्य संग हैं। 10वीं शताब्दी तक भिक्षु अल्फ्रिक ने इस प्रथा को, जो 8वीं शताब्दी की है, ईस्टर से पहले की अवधि के लिए बंधी हुई है, यह लिखते हुए। अब हम अपने लेंट की शुरुआत में इस अनुष्ठान का पालन करते हैं। अब हम अपने सिर पर राख के साथ एक क्रॉस चिन्ह बनाते हैं, जो यह दर्शाता है कि हमें लेंटेन उपवास के दौरान अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए। 11वीं शताब्दी तक यह प्रथा पूरे चर्च में फैल गई थी, लेकिन प्रोटेस्टेंट सुधारक मार्टिन लूथर ने 16वीं शताब्दी में हमारे माथे पर राख डालने की प्रथा को बाहर कर दिया, क्योंकि यह बाइबल पर आधारित नहीं थी। बाइबल में भी कोई व्रत नहीं है, हालांकि कई ईसाई इसे 39 दिनों की नकल के रूप में देखते हैं, जो यीशु ने रेगिस्तान में शैतान के साथ उपवास और लड़ाई में बिताए थे। ऐश बुधवार हमेशा बुधवार को होता है और इस वर्ष 2022 में यह 2 मार्च को मनाया जा रहा है। इस दिन कई ईसाई लेंट के पहले दिन के रूप में चिन्हित करते हैं। ईस्टर रविवार तक प्रतिबिंब और पश्चाताप का समय होता है। दुनिया भर के पादरी आमतौर पर पिछले साल के पाम संडे को वितरित किए गए ताड़ के पत्तों को जलाकर राख बांटते हैं और उनके सामने झुके हुए माथे पर क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। जैसे ही वे राख को लगाते या निरस्त करते हैं, पादरी प्रत्येक ईसाई को उत्पत्ति अध्याय 3 बनाम 19 की याद दिलाता है, तू मिट्टी ही है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। लेंट वास्तव में 40 दिनों से अधिक लंबा है। ऐश बुधवार और ईस्टर के बीच 46 दिन होते हैं, लेकिन अधिकांश चर्च रविवार को लेंट के हिस्से के रूप में नहीं मानते हैं। अनुष्ठान के बाद किसी को भी अपने चेहरे पर राख रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ ईसाई शायद खुद को एक अनुस्मारक के रूप में चुनते हैं कि वे नश्वर और पतनशील हैं, जबकि अन्य उन्हें इस उम्मीद में अपने विश्वास के साक्षी के रूप में छोड़ सकते हैं कि अन्य लोग उनके बारे में पूछेंगे और अपने विश्वास को साझा करने के लिए एक द्वार खोलेंगे। अब सवाल यह है कि क्या केवल कैथोलिक ही चिन्हित राख बुधवार को मनाते हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं है। यह पहले सच हुआ करता था, लेकिन आज अधिकांश विद्रोही चर्च, जो एक नियमित कैलेंडर आधारित लिटुर्जी या अनुष्ठानों और अनुष्ठानों के सेट के साथ मेथोडिस्ट, एपिस्कोपेलियन, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन और अन्य प्रोटेस्टेंट सहित बुधवार के दिन को चिन्हित करते हैं, लेकिन कुछ इंजील और पेंटेकोस्टल ईसाई बुधवार को राख बुधवार के रूप में नहीं मनाते हैं। राख मृत्यु और पश्चाताप दोनों का प्रतीक है। इस अवधि के दौरान ईसाई अपने पापों के लिए पश्चाताप और शोक दिखाते हैं, क्योंकि उनका मानना कि मसीह उनके लिए मर गया और फिर से जी उठा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को देखकर बहुत अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि मेरे सभी नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।